हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सीथनो ग्रुप डी के लिए आइए जियो मेट्री बूस्टर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्च अ वे दट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ ब्रेथ क्यू एंड आर लाइज ऑन द हाइपर पी एंड इज लाइज ऑन टू डिफरेंट स्मॉलर साइड्स ऑफ द ट्राएंगल वाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल टू दै ट्राएंगल मतलब इस रेक्टेंगल से टोटल ट्राएंगल का एरिया का रेशियो मांगा गया है अब देखो ये ए बी क्या दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है एंड पी क्यू इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी एस दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक्सटेंड करके ऐसे जोड़ देते हैं या फिर नाइन्टी डिग्री वाला कर देता है या फिर पैरल बी सी के साथ एक लाइन खींच देते हैं दैट इज इक्वल्स टू ए डी ए डी एंड ए बी के साथ एक पैरल लाइन खींच देते हैं दैट इज इक्वल्स टू डी सी ठीक है अब पी क्यू ये परपेंडिकुलर था इसको एक्सटेंड कर देते हैं आर एस इसको एक्सटेंड कर देते हैं इसको जोड़ देते हैं तो ये एक्स एंड वाई नाम दे देते हैं ठीक है अब देखो पी एस वाई एक्स ये कौन सा है ये, ये एक ये भी एक स्क्वायर है कैसे सर स्क्वायर हो गया देखिए तो ये एक्स लेंथ था तो यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ये भी सेम एक्स लेंथ है क्यों टोटल ऑफ रेक्टेंगल इट्स ए स्क्वायर तो सिमिलरली ये एक्स था तो ये भी एक्स है और यहाँ पे टू एक्स है तो भीतर वाला भी सर एक स्क्वायर हो गया अब एक चीज एक स्क्वायर के अंदर दूसरा वाला स्क्वायर होता है तो उसका एरिया क्या होता है सर हाफ हो जाता है क्या ये आपको मालूम नहीं है देखिए कैसे होता है ये एक स्क्वायर है जिसका साइड्स हम लोग ए पकड़ लेते हैं तो अंदर एक स्क्वायर करता है मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तभी स्क्वायर होगा नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा इसका डायगोनल क्या होता है इसका साइड तो इसका डायगोनल हम लोग ये एक्स पकड़ लेते हैं तो ए रूट टू इक्वल्स टू अगर ये इसका साइड ए है तो क्वल टू यहाँ पे एक्स तो ए बराबर एक्स बाय रूट टू अच्छा बाहर वाला स्क्वायर का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर अंदर वाले का क्या है ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू सिमिलरली यहाँ पे पी एक्स वाई एस इस स्क्वायर के एरिया क्या हो जाएगा अगर हम लोग टू एक्स पकड़ रहे थे तो सर टू एक्स का मतलब फोर एक्स स्क्वायर आ जा रहा है ठीक है और इसके बाहर वाला सर इसके बाहर वाला इसका डायगोनल हो जाएगा इसका साइड्स तो बाहर वाले का डायगोनल मतलब टू एक्स का डायगोनल कितना पते 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 हो जाएगा सर रूट टू टू रूट टू एक्स टू रूट टू एक्स तो इसका बाहर वाला मतलब ए बी सी डी का एरिया कितना हो जा रहा है सर टू रूट टू एक्स का होल स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ जा रहा है फोर एक्स स्क्वायर इंटू टू तो इन दोनों का एरिया मतलब ए बी सी डी का एरिया डिवाइडेड बाई पी एक्स वाई का एरिया क्या हो जा रहा है पी एक्स वाई एस का एरिया दैट इज इक्वल्स टू टू इज टू वन ठीक है अब क्या मांगा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ़ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल टू दैट ऑफ द ट्राएंगल तो रेक्टेंगल का यानी कि पी क्यू आर एस का मतलब इसका आधा तो पी क्यू आर एस का और ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी इसका एरिया क्या हो जाएगा सर वही हो जाएगा वन इजू टू तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसको पलट दिया खाली क्योंकि देखो दोनों का ही आधा करना था ठीक है सर थैंक यू बाबा स्टेट इन फॉर द नेक्स्ट क्लास